तो क्या है XRP? क्या XRP अच्छी इन्वेस्टमेंट है? क्या XRP $10 टच करने वाला है? तो यही कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपल क्या है। तो रिपल इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी दैट यूजेस XRP टू प्रोवाइड एफिशिएंट वे ऑफ मनी ट्रांसफर। रिपल XRP लेजर यूज करता है, दैट इज अ परमिशनलेस डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन एंड इट कैन अप्रूव एनी ट्रांजैक्शन इन 3 to 5 seconds। अब इथेरियम और बिटकॉइन की कंपैरिजन में ये स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। लाइक इथेरियम में ये स्पीड कुछ 13 seconds है एंड बिटकॉइन में यही अप्रूवल की स्पीड कुछ 10 minutes तक है। अब इस XRP लेजर पे ट्रांजैक्शन करने के लिए हम उनकी नेटिव क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, दैट इज XRP। सो XRP इज अ डिजिटल एसेट बिल्ट फॉर पेमेंट्स ऑन दिस XRP लेजर। XRP की ट्रांजेक्शन स्पीड कुछ 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है एंड आप इसे किसी भी यूजर को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी सेंट्रल इंटरवेंशन। काफी मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी रिपल की कस्टमर लिस्ट में आते हैं। सो रिपल एक ग्लोबल लेजर सिस्टम है एंड इट्स अ नेटवर्क ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। ये जो ब्लॉकचेन्स रिपल नेटवर्क में जो कि किसी प्राइवेट एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, इनको हम गेटवेज कहते हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अगर रिपल नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो इन्हीं गेटवेज के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। ये एक डिजिटल पोर्टल की तरह काम करते हैं जिससे कोई भी नई कंपनी या इंस्टीट्यूट रिपल नेटवर्क का पार्ट बन सकती है। तो कलेक्टिवली जो सेटलमेंट एनवायरनमेंट है इसे हम रिपल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल या RTXP या रिपल नेट बोलते हैं। रिपल और SEC के बीच में क्या केस चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। SEC US की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है और SEC के अकॉर्डिंग रिपल एक सिक्योरिटी है ना कि क्रिप्टो करेंसी। अब ये समझने के लिए हमें माइनिंग समझनी पड़ेगी। सो माइनिंग प्रोसेस में थर्ड पार्टी वेरीफाई करती है ट्रांजेक्शन को और इसी प्रोसेस में नए बिटकॉइन सर्कुलेशन में आते हैं। अब इन केस ऑफ XRP रिपल ने एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ XRP 100 बिलियन यूनिट्स एक ही बार में क्रिएट कर दिए। मतलब थर्ड पार्टी कोई न्यू XRP जनरेट नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी सब सर्कुलेशन में है। प्लस रिपल खुद 64 बिलियन XRP होल्ड करता है। तो रिपल की इसी XRP की हैंडलिंग की वजह से दिसंबर 2020 में अथॉरिटीज ने रिपल पे लीगल एक्शन फाइल किए हुए जिनका कोर्ट में अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है। करंट स्टैट्स देखते हैं दोस्तों। करंट स्टैट्स के लिए मैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट को रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7th rank पे आता है कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। हम 7 दिनों का अगर प्राइस एक्शन देखें तो -13.39% पे इस टाइम पे, 24 आवर्स पे 0.52% पे है प्राइस आज का $1.11 पे। हम इसको ओपन करते हैं। तो ये XRP 7th rank पे, यहाँ पे हम अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई देखें तो कुछ 100 बिलियन इसकी मैक्स सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 46 बिलियन XRP इस टाइम पे सर्कुलेशन में। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 51 बिलियन मार्केट कैप है इस टाइम पे। प्राइस मैंने आपको बताया था $1.11 है इस टाइम पे। इसका मैं चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसका चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि 2017 में इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था जो कि था 3.4 के अराउंड। उसके बाद से ये अभी तक ऐसा कुछ करने में नाकामयाब रहा है। हम अगर बाइनेंस में अगर देखें हम इसको तो वन डे चार्ट पे अगर मैं देखूं तो इसने एक लंबी बड़ी रैली दी थी काफ़ी कुछ तो अगर मैं बाइनेंस पे देखूं तो इसने काफ़ी बड़ी रैली दी थी बीच में अप्रैल में कुछ अराउंड 284% का रिटर्न दिया था उस टाइम पे। बट इसी पॉइंट पे SEC लॉ सूट फाइल हो गया था। अथॉरिटीज़ ने इस पर लीगल एक्शन फाइल किया था और उसी के बाद से इसका प्राइस एकदम से गिरना शुरू हो गया। यहाँ पे फिर कंसोलिडेट ही हो रहा तब से प्राइस इसका नीचे गया। अभी अपने लोएस्ट को टच करके फिर से प्राइस दोबारा ऊपर चढ़ रहा है। अगर इसका इस टाइम पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने 4 hour chart पे ट्रेंड लाइंस बनाई थी। अगर मैं अभी देखूं यहाँ पे तो आज ग्रीन कैंडल है पर ये भी आप बड़ी कैंडल देख सकते हैं कुछ 30% का ड्रॉप रिसेंटली दिया है। 30% का रिसेंटली इसने ड्रॉप दिया है। 2 दिन पहले बहुत बड़ा डिप आया था जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे 2 दिन पहले बहुत बड़ा ड्रॉप आया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी लॉ सूट अगर आता है तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है। अभी ये बहुत ज़्यादा दूर है अपने ऑल टाइम हाई से भी बहुत ज़्यादा दूर है इस टाइम पे। तो वही इसे टच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अभी अगर इसके पास एक बड़ा रेजिस्टेंस है तो वह कुछ 1.8 के पास, जो कि 66% अभी भी दूर है। पॉसिबल प्राइस प्रेडिक्शन चार्ट को देखते हुए ये रहेगी कि रिपल ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई जो इसका $3.4 के अराउंड जो इसका ऑल टाइम हाई है वही अभी तक टच नहीं किया है, तो अगर वो उसे क्रॉस कर पाता है तो शायद ये $6-7 तक जा सकता है आगे, या ईयर एंड तक शायद $10 तक पहुंच पाए। पर अगर इसका SEC लॉ सूट अगर क्लियर होता है और रिजल्ट इसके फेवर में आता है तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पंप जा सकता है। फिर मैं उम्मीद करूंगा, शायद मैं नए प्राइस प्रेडिक्शंस दूंगा, शायद तब $20-25 के आसपास जा सकते हैं। पर अगर इसके फेवर में नहीं रहा उसका रिजल्ट तो ये बहुत ही जल्दी डाउन होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेन एक्सचेंजेस से ये डीलिस्टेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई कॉइन रिव्यू करूँ तो उसे भी कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए